नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस भाग में जानते हैं पंडित राम चतुर मलिक जी के बारे में। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा जिले के चमटा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजित राम था, जो कि दरभंगा महाराज के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ये माना जाता है कि पंडित राम चतुर मलिक के पूर्वज राजस्थान से बिहार आ गए थे और संगीत में दरभंगा घराने की नींव रखी थी। रामचतुर मलिक ने अपने चाचा क्षितिजपाल मलिक से और बाद में सितार वादक रामेश्वर पाठक से अपनी प्रारंभिक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। दरभंगा के महाराज ने सन 1924 में इन्हें राज दरबारी नियुक्त किया। महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह के अनुज विश्वेश्वर सिंह के साथ 1937 में वे इंग्लैंड और फ्रांस गए। वहां अपने शास्त्रीय संगीत से श्रोताओं को मुक्त किया। वे मोनिया परंपरा और गोंड वाणी के प्रतिनिधि गायक थे। उन्हें ठुमरी गायन में बनारस और गया की गायकी में समान दक्षता प्राप्त थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया। मलिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे। 1976 में फ्रांस सरकार ने राम चतुर मलिक के ध्रुपद धमार के रिकॉर्ड को यूनेस्को प्रसारण के लिए चुना था। तो आज के लिए इतना काफी है, यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।